सो हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो एंड एक और मज़ेदार वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि आज की मैं एडिटिंग आपको कैसे सिखाने वाली हूँ। कल मैं आपको एक अमेजिंग फोटो एडिटिंग जो है सिखाने जा रही हूँ, तो आप देख लीजिएगा किस तरह की मैं आपको फोटो एडिटिंग सिखाऊंगी। तो चलो इस तरह की मैं आपको फोटो एडिट करना सिखाऊंगी, जो कि आप देख ही रहोगे बहुत अमेजिंग है। एंड अगर इस तरह की फोटो एडिटिंग कर आप अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हो ना, तो वेल बहुत अच्छी रिस्पॉन्स होने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड ये फोटो एडिटिंग मैं पिक्स आर्ट से एडिट करने वाली हूँ, तो चलो पिक्स आर्ट को ओपन करते हैं। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो प्ले स्टोर से पिक्स आर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एंड देन इसको ओपन कर एडिट अ फोटो पर क्लिक कर यहाँ पे अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। इमेज सेलेक्ट कर कुछ इस तरह से इसको क्रॉप के ऑप्शन पे जाना है और इसको रोटेट करना है। रोटेट कर लीजिए अगर आपको करना है तो। मैं इसको क्रॉप भी कर देती हूँ या प्रोटेट वाला ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये इंस्टाग्राम का ही है, ठीक है। अब स्टिकर के ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर आपको सर्च करना है वॉच, ठीक है। सर्च करोगे तो यहाँ पर बहुत सारी जो है वॉच आ जाएंगी, ठीक। तो इनमें से मैं एक वॉच सेलेक्ट करती हूँ। तो मैं ये बार यहाँ पे आप कोई सा भी ले सकते हो, आपको जौन सा अच्छा लगे आप अपनी इमेज के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो ये मैं कुछ वाला सेलेक्ट मैंने कर लिया। अब इसको जो है थोड़ा सा जूम करना है, इस तरह से इरेज के ऑप्शन पे जाना है एंड बैकग्राउंड कर देना है। अब कुछ इस तरह से इरेज के ऑप्शन पर जाकर कुछ इस तरह से इरेज कर लेना है, अच्छे से एडजस्ट कर लो। तो कुछ इस तरह से मैं कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये इरेज हो चुके हैं, ठीक। अब इसको करना है डन। यहाँ डन कर अब यहाँ पे इफ़ेक्ट के ऑप्शन पे जाना है और इफ़ेक्ट लगा लेना है। तो मैं इफ़ेक्ट ये वाला लगा देती हूँ, ठीक है। इसको डन करना है। फिर स्टिकर के ऑप्शन पे जाकर अभी जो है इफ़ेक्ट अपनी स्किन को कुछ ज़्यादा मतलब वो हो रहा है, तो मैं इसको जो है स्किन से हटा देती हूँ, ठीक। बैकग्राउंड ऐसी रहने देते हैं और स्किन से हटा देना है, क्योंकि स्किन अच्छा नहीं लग रहा है स्किन पर, ठीक। अब फिर स्टिकर के ऑप्शन पे जाकर फिर वॉच के ऑप्शन सर्च कर यहाँ पे आप ये वाला ले लीजिएगा। अगर आपने वॉच में लगा दीजिएगा, ठीक। तो कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है। तो मैं इसे कर लेती हूँ एडजस्ट और इसको कुछ इस तरह से इरेज कर देना है। इरेज कर ठीक अच्छे से यहाँ इरेज कर लेना है, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ टर्न करना है। फिर यहाँ पे स्टिकर के ऑप्शन में जाकर फिर से वॉच ही सेलेक्ट सर्च करो वो ऑलरेडी, और इसे यहाँ पे इस तरह से लगा दो, ठीक। इसकी ओपेसिटी को कर लो ब्लेंड के ऑप्शन में जाकर, मल्टीप्लाई कर दो, स्क्रीन कर दो, आप अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग कर देना। शैडो के ऑप्शन पर जाकर शैडो को इनेबल कर देना, ठीक है। फिर कुछ इस तरह से वाली PNG आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला स्टिकर आप ले लीजिएगा। इसको डन कर फिर इफेक्ट के ऑप्शन पर जाकर मैं इफेक्ट लगा देती हूँ, ठीक है। और फिर से जो है हम इरेज के ऑप्शन पर जाकर अपनी स्किन पर से ये हटा देंगे, ठीक। अब इसको डन कर स्टिकर का ऑप्शन पे नहीं जाना, आपको टेक्स्ट के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ टेक्स्ट पर कुछ इस तरह से ये लिख देना, ठीक है। तो मैं लिख लेती हूँ, ठीक। इसको लिख कर आप कुछ इस तरह से जो है यहाँ एडजस्ट करना है एंड यहाँ पे शैडो के ऑप्शन में जाकर शैडो को एनेबल कर देना है, ठीक। और इसका जो है कलर रख लो ब्लैक ही, ठीक है। फॉन्ट को भी आप कोई सा भी रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये इमेज यहाँ बनकर रेडी हो चुकी है, बहुत अमेजिंग लग रही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।